मंच पे उपस्थित और यहाँ पे जो आप सभी लोग आज हमारे घर आए हैं, आप सभी का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ और दिल से प्रणाम करता हूँ। साथियों, पिछले 9 साल या बोले लगभग 10 साल से पिछली 2 सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ हमें धोखा देने का काम किया है, खासतौर से इस प्रदेश के नौजवानों को और बेरोजगार लोगों के साथ। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, बल्कि उसके बदले हर साल 2 करोड़ नौकरियां छीनने का काम किया इस सरकार ने। खासतौर से कोविड काल के वक्त जो लोग बेरोजगार हुए, अलग अलग प्रदेशों से वापस लौट के मजबूरी में जिनको आना पड़ा, उनको आज तक रोजगार नहीं मिला है। और जब भी हमारे नौजवान भाई बहन लोग अपनी नौकरी के लिए या अपने रोजगार के लिए मांग रखने इन तक जाते हैं, तो इनको बदले में ये सरकार सिर्फ लाठी और डंडे ही देती है। साथियों, अब वक्त आ गया है कि हमें इनके असली चेहरे के पहचानने की ज़रूरत है। ये सिर्फ हवाई बातें करने वाली सरकार है, सिर्फ ये सोशल मीडिया के माध्यम से या अखबारों प्रिंट मीडिया इसके माध्यम से सिर्फ ये झूठे प्रचार फैलाती है ये सरकार, और अपने झूठे बातें इधर उधर जहाँ जहाँ जिस जिस माध्यम से पहुँचा सकती। खासतौर से सोशल मीडिया के बारे में कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया से इस समय हर कोई जुड़ा हुआ है आजकल, चाहे वो कोई गांव में हो, बड़े शहरों में हो, छोटा हो बड़ा हो, हर कोई किसी का सोशल मीडिया में, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप, तो हर किसी के फ़ोन में। इसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग ये सरकार करती है ये अपने झूठे प्रचार और झूठे बातें अफवाहें फैलाने में। बल्कि मैं आप सबसे चाहूँगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमसे जुड़ें और इनका माध्यम से जो जो अपनी बातें सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहा है, तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक अपनी बातें रख सकता है, पहुंचा सकता है। और इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी एक एक बात सुनी जाएगी और यहां नोट करी जाएगी और इसको आपकी दिक्कतें तकलीफ़ों को आदरणीय बहन जी तक पहुँचाने की ये बातें तकलीफ़ें मैं या मेरे आदरणीय पिताजी एक एक बात आपकी यहाँ नोट करके उन तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे और उनका पूरा समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए बस आप सब से यही कहना चाहूँगा, क्योंकि आप सब लोग यहाँ हमारे आदरणीय पिताजी की बात आज सुनने आए, कि आज आप उनकी बातें जो भी सुनेंगे या यहाँ जो बातें हुई हैं, तो सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा बहुजन समाज पार्टी में। आप लोग में कई लोग या ज़्यादातर सभी लोग आज हमसे जुड़ रहे हैं और जो जो बातें आप हमारे आदरणीय पिताजी की आज सुने, तो उनको यहीं छोड़ के नहीं जाना है, उनको अपने साथ ले के जाना है, समझ के जाना है और एक एक घर तक पहुंचाने का काम आपको करना है। जिस जिस से मिले उन तक उनकी बातें और आदरणीय बहन जी की बातें उन तक मैसेज उन तक पहुंचाने का काम करना है। क्योंकि अगर इस प्रदेश की जनता को, अपने भाई बहनों माता पिताओं को अगर उत्पीड़न और जो जिस प्रताड़ना से ये गुजर रहे हैं, तो उससे निकालना है तो वो तभी निकल सकता है जिस आदरणीय बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बन के आएंगी। तो अगर खुद के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, सबके लिए करना है, तो अब हमें जी जान से, वक्त कम रह गया है, बस जी जान से लग जाना है, घर घर मैसेज पहुँचाना है कि आदरणीय बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बन के आ रही हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।